सीआई सुरेश कस्बा के समर्थन में आज उपखंड कार्यालय के सामने भाईचारा महाकुंभ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा में वक्ताओं ने आर्म एक्ट के मामले में सीआई सुरेश कस्बा को लाइन हाजिर करने के आदेशों को एकतरफा बताया और जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाया। सभा के बाद पुलिस उपाधीक्षक प्रतीक नील को ज्ञापन सौंपकर सीआई सुरेश कस्बा को पुनर्स्थापित करने की मांग रखी। भाई जी सोचो, रात ने रोटी तो खाई थी, इन्हें बिने देखो रोड तो ठीक होनी, रात ने देख घोड़ी ब्याज के और नेता ऊपर बात है कि ना मारने में नेता है नहीं, पांच सात घोड़ा इशारा ढूंढा जेला वो तो ही बोनी टाणो चाहिए नहीं हड़ो आज है बंद आनो चाहिए मैं आ गया था मैंने भी लोना ही तेरा तो बने या क्यों मैं यानी रात पर रहने हुए थे क्यों आ रहे हूँ कोई बनी ने भी नहीं तो भैया घोड़ी ब्याज दे रात ने और तो कोई व्यवस्था है को नहीं रोटी राटी खुआ दी चार बजे सी बात घोड़ी ब्या ही चंद रहे वो तो ठंड हो पर तो नींद थोड़ी आई भी ने बाप रहे तकड़े नींद आ गई बट जे तो रोग भी घोड़ी ने बच्चे रोग पड़ता ही खड़े हो जाए बाद में घोड़ी तो बैठे को नहीं घोड़ो तो जिंदगी में आपके जीवन में पैदा होता पड़े वो ही बैठे सारी जिंदगी सो ही है तो खड़े ही सोवे बैठे को नहीं बड़ी जो वो मीनू टान बदलो ले जा रहे मीने घर में वो बोलू भी ने सारे छोड़ दियो अब तो बाप बोलू चाटन ला दियो सवेरे वो बोलियो कि यार तेरे घर तो बहुत सूप है घोड़ी ब्याई तो ही मैंने पतो कौन पड़ियो और घोड़ी ब्याह जब बहुत तकलीफ होगा जो लुगावर या डिलीवरी होगा यही तकलीफ होगा और पतो कौन पड़ियो सारे ने पतो पड़ जा तू अब वो ये तो डेट बोलते घोड़ी ब्याह जी ललामत नहीं हुआ तो लैन हाजिर हो गया तो खुशियां मना रहे हैं भाई आपका क्या टारगेट सीआई था या उस बच्चे को दोष मुक्त करना था उसके ऐसे मुझे तो समझ नहीं आ रही कैसी राजनीति कर रहे हैं जय डूंगराम गेतर जी खुशियां मना रहे हैं अरे आपका जो प्रदीप शर्मा है जिसके लिए बैठे हो क्या वो उस केस में दोष मुक्त हो चुका है नहीं हुआ तो काहे की खुशी है अभी तो जांच चल रही है जिस दिन वो बच्चा दोष मुक्त हो आप खुशियां मनाए हम भी खुशियां मनाएंगे हमें भी जय लगेगा कि वास्तव में सीआई गलत था अरे भाई दिन में सीआई को टारगेट कर वो बंदा आया है आप लोगों ने हाथ धो के उसके पीछे ही पड़ गया उसका कम से कम कर्म तो देखो वो क्या कर्म कर रहा है चिट्टे के कितने छोटे छोटी उम्र के बच्चे हैं जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी आज तक किसी भी कर्मचारी ने कोई भी उनको पकड़ने की जरूरत नहीं की कच्ची बस्तियों में ले लो चिट्टे से एक नेक समाज का बच्चा मर गया उस आज हमें क्यों आना पड़ा इतनी बड़ी सभा रखी क्यों रखी इस आयोजन के सबसे पहले जो हमारे अध्यक्ष रतन पारीख जी तमाम समाज के लोग यहां बैठे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ समाज के तमाम लोग बैठे हैं उनको यहां इस महाकुंभ में पहुंचने के लिए मेरा सलूट करता हूं सर। बात काफी दिन से चल रही है हम लोगों ने गंभीरता से इस बात को लेने का काम किया कुछ लोग इस शहर को इस विधानसभा को कहीं और ले जा रहे थे और ये कल की या